दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, राधे राधे। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट का मेवा। तो आज बताएंगे हम आपको ड्राई फ्रूट मेवे की रेसिपी किस प्रकार से बनता है। तो बने रहे आप मेरे साथ शुरू से एंड तक। आप में आजकल सर्दी का टाइम है तो हम आग भी सेक रहे हैं, गर्म ठंड बहुत है हमारे यहाँ पर पहाड़ों में। ये देखिए दोस्तों छुआरे को छुरी के साथ काट रहे हैं और इसके जो अंदर की गुठली को निकाल रहे हैं। और ये है देखिए चैठू मुंगरी बोलते हैं हम इसमें कुटेंगे, हम फिर चैठू मुंगरी बोलते हैं हम इसको, ऐसा करके देखिए। ये हमारे गांव में इस तरह होता है। ये देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं चैठू मुंगरी, चैठू मुंगरी के थ्रू हम ऐसे कुटते हैं इसको ड्राई फ्रूट को। हम अपनी भाषा चैठू मुंगरी बोलते हैं इसको। ये देखिए डैविश शालू देवी और सभी लोग हम मेवे को तैयार कर रहे हैं। आज टेस्टी मेवा बनेगा। ये बाकी सामान यहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों हम नारियल को मैश कर रहे हैं। ये देखो डैविश दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों छुआरे को मैंने कूट कर बारीक कर दिया है। छुआरे काजू बादाम छुआरे और गरिया मैश हो रही है और ये किशमिश डाल रहे हैं इसमें। मूंग दाल का पाउडर बनाया अभी मिक्सी में। ये देखिए दाल मूंगी। अब ये देखिए दोस्तों अब मखाने को मैं ग्राइंड करने वाला हूँ क्योंकि मखाने भी बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए और शुगर फ्री होते हैं। ये देखिए दोस्तों ग्राइंडर किया हमने मखाने, इनको भी मिक्स कर रखे अंदर। बस तो ये देखिए दोस्तों देसी घी, जो हमने मूंगी दाल का पाउडर बनाया था, तो अब इसको हम थोड़े से भून रहे हैं इसको देसी घी के साथ दाल मूंगी को। तो दोस्तों ये है कमरकस। कमरकस को इससे नहाते क्योंकि कमरकस से नहाने से इसमें क्या होता है कि ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। ये देखिए दोस्तों जो दाल मूंगी पाउडर हमने बनाया था उसको हमने देसी घी में हमने इसको फ्राई कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह पक गया है। अब हम इसमें ये मिक्स करेंगे जो ड्राई फ्रूट है। बस
बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये पिक्चर हो गया। तो दोस्तों ये है देसी घी, गाय का देसी घी है, पहाड़ी गाय का देसी घी। तो इसको मिक्स करेंगे इसमें। चीनी नहीं डाल रहे हम क्योंकि चीनी से बैटर शक्कर होती है। वन के जी डाली हमने इसमें शक्कर। इसमें हमने किलो काजू डाले हैं, किलो किशमिश और एक के जी बादाम, एक के जी छुहारे, एक के जी नारियल और मखाने 250 ग्राम और 200 ग्राम दाल मूंगी और किशमिश एक के जी। एक के जी हमने शक्कर डाली और गाय का देसी घी 2 किलो गाय का देसी घी डाला इसमें। अब इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको 15 मिनट के लिए फ्राई कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्सचर होना चाहिए घी साथ में, थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से। 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं आप इसको ऐसे करके। फिर उसके बाद फिर ठंडा होके फिर हम डालेंगे डब्बे में इसको। तो दोस्तों फाइनली मेवा बन गया है, ये देखिए अच्छी तरह से ये गरम करके हमने इसको फ्राई कर दिया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसको इसमें डिब्बे में डाल रहे हैं इसको। इतना खा रहे हैं 10 किलो की बाल्टी भर गई है मेवे से। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेवे वाली वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का, अपने आस पड़ोस में सबका ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।